ज्वालाएं उठती है वो शांत है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस तरह की शांत भी ज्वालाएं होती हैं, एकदम शांत ज्वालाएं हैं, सप्तरंग की होती हैं और एकदम शांत ज्वालाएं हैं और सहस्त्रार में आपको दिखाई देती है ये कितनी शांत है। ये सारा कार्य श्री गणेश ने किया हुआ। तो एक प्रकार वो आपका भी गुस्सा कम कर सकते हैं, आपकी भी नाराज़गी दूर कर सकते हैं। और जब हम नाराज़ हो जाते हैं तो उसमें हम बहक जाते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें हम किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, किसी को खून कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस वक़्त जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ श्री गणेश से होता है और श्री गणेश जो है आपके गुस्से को ठंडा कर देते हैं। अब देखिए कि ईसा मसीह भी उसी तरह के हैं कि उन्होंने ये बताया कि सबको क्षमा कर दो, जिसने तुम्हें तकलीफ दी उसके प्रति तुम गुस्सा करते हो, पर अगर तुम सबको क्षमा करना एक बार सीख लो कि सबको क्षमा कर दी, जिन्होंने उनको इतना अपमान करके, इतना सता करके और सूली पे चढ़ाया, उनके लिए भी उन्होंने परमात्मा से, अपने पिता से कहा कि हे पिता इनको क्षमा कर दो, बिकॉज ये जानते, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि ये क्या करें। ऐसे जब ईसा मसीह ने कहा तो आप सोचिए जिस सारे लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ाया, इतना परेशान कर दिया, उनके लिए भी उन्होंने इतनी क्षमा की वृत्ति ली। सो ये उनका एक चरित्र है, एक स्वभाव है। और दूसरा भी ईसा मसीह का चरित्र ऐसा है कि जब लोग उनके मंदिर के सामने बैठ करके और चीज़ें बेच रहे थे, जैसे अपने यहाँ भी है मंदिरों में लोग जाते हैं तो वहाँ चीज़ें बेचते हैं और वही चीज़ चढ़ाते हैं, जैसे एक नारियल को चढ़ाया फिर ला कर उसको बेचते हैं, माने उसका बिजनेस बना लेते हैं। तब उन्होंने हाथ में एक हंटर लेके सबको मारा और कहा कि तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हें अगर करना है तो ठीक है, जो कुछ भी है वो स्वच्छ तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि जो आप भगवान को चढ़ा रहे हैं उसको लाकर फिर बेच रहे हैं, जो हार भगवान को चढ़ा रहे हैं उनको लाकर फिर बेच रहे हैं, इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा बिल्कुल ही गलत बात है। और इतना उन्हें क्रोध आया कि उन्होंने हाथ में हंटर लिया और उसको सबको तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। ये दूसरी साइड है। ऐसे श्री गणेश की भी एक दूसरी साइड है। दूसरी साइड गणेश की ये है कि जिस वक्त कोई भी राक्षस या दुष्ट आपको परेशान करेगा या तंग करेगा तो वो गणपति है, माने गणों के वो राजा है, तो वो उन राक्षसों को और दुष्टों को नष्ट करते हैं, उनको एकदम उनका सर्वनाश कर देते हैं। आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आपके साथ लगे हुए हैं गण लोग और वो ऐसे लोगों को ठीक ही कर देते हैं जो आप लोगों को तंग करें। सहयोग में आप लोग जान लीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपको कोई भी नहीं दुख दे सकता। हाँ, अगर आप सहयोग में हैं तो आपके गण जो हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं और वो यहाँ भी पधार रहे हैं और वो हर समय आपके ऊपर अपनी सुरक्षितता का, उन्होंने पूरी तरह से आपके ऊपर अपना आच्छादन डाल दिया, पूरी तरह से आपको ढक लिया, आपको कोई भी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं हो सकती। फिर आप उसको चमत्कार कहते हैं, माँ किस तरह से मैं बच गया, पता नहीं क्या हुआ मैं कैसे बच गया। ये सब गणों का काम है और गण ये कार्य जब करते हैं तब समझ लेना कि आप वाकई में एक सहयोगी हैं। अगर वो ये कार्य आपके लिए नहीं करते हैं तब तो समझना है कि आप अभी तक पूरी तरह से सहयोगी नहीं हो। दूसरी बात गणों की ऐसी होती है कि हमेशा हमारे शरीर में भी वो कार्यान्वित रहते हैं। शरीर से बाह्य की चीज़ें जो करते हैं वो सिर्फ आप जब पार हो जाते हैं, जब आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है, तब वो आपका शरीर और आपका सब धन और आपकी सब चीज़ें, बच्चे सबको संभालते हैं, पर उससे पहले हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज़ बन करके जीते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं यही हमें रोगों से बचाती है और उससे हम लड़ झगड़ सकते हैं। तो इसका चक्र जो है सेंटर हार्ट, यहाँ पर स्टर्नम करके जो हड्डी है
उसके अंदर शुरू में होता है 12 साल तक, या एंटीबॉडीज तैयार होती हैं और वो फिर सारे शरीर में दौड़ करके तैयार रहते हैं। जब भी कोई परेशानी होगी तो स्टर्नम हिलने लग जाएगा और उसके हिलते ही जैसे रिमोट कंट्रोल होता है इस तरह से इनको पता हो जाता है और ये फिर उस आने वाले कोई भी जो आदमी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है या कोई सी भी चीज़ आक्रमण कर रही है, कोई वायरस आ रहा है या किसी भी तरह का कोई रोग आपके अंदर घुस रहा हो, उससे ये लड़ते हैं। और जब आप माँ के विरोध में कार्य करते हैं, माँ के विरोध में काम करने का मतलब है नैतिकता से गिर जाना, पिता के विरोध में जाने का मतलब है कि आप कार्यशील न हो, कार्यक्षम न हो, आप कार्यकर्ता न हो, आप में आलस्य आ जाए, ये तो पिता के खिलाफ पाप है। लेकिन माँ के खिलाफ पाप है जहाँ आप अपनी नैतिकता को खो देते हैं। जिन्होंने अपनी नैतिकता को खो दिया है ऐसे लोगों का ये चक्र बहुत कमज़ोर हो जाता है और इसीलिए फिर ये चक्र जो है इसको ठीक करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है और जो लोग इस तरह से गिर जाते हैं और उनका ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे एड्स की बीमारी है या इसी तरह की जो बीमारियाँ हैं जिसे कि हम गुप्त रोग कहते हैं, ये सारे गुप्त रोग अनैतिकता से आते हैं और ये अनैतिकता के रोग जो हैं किसी तरह से भी ठीक नहीं हो सकते जब तक आपके गणेश तत्व ठीक नहीं हो जाएगा। इसलिए समझ लेना चाहिए कि हमें अपने अनैतिकता से अपने सारे व्यक्तित्व को, अपने सारे जीवन को पूरी तरह से आडोलित रखना चाहिए, पूरी समय उसमें पवित्रता में डूबे रहना चाहिए। ये जो पवित्रता है उसके बारे में ईसा मसीह ने बहुत बढ़कर बात कही है क्योंकि आज्ञा चक्र पे उनका स्थान है, इसलिए उन्होंने आज्ञा चक्र पे बहुत बड़ी बात कही और वो ये कहा कि तुम्हारे आँखों में भी कोई भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। Thou shalt not have adulterous eyes। आँखें भी ऐसी हों वो भी निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आँखें निर्मल का नहीं है तो ईसा मसीह वहाँ नहीं है। लेकिन देखिए परदेश में हम देखते हैं कि हर एक ईसा को मानने वाले लोग सबकी आँखें बहुत ख़राब है, इस औरत की तरफ देख, उस औरत की तरफ देख, उस तरफ देख, फिर औरतें भी ऐसी आदमियों की तरफ देख, उनकी आँख ऐसी चलती रहती, कभी आँख स्टेडी नहीं रहती। और फिर एक बार ये चल जाए तो ये नेगेटिविटी होती है, भूत है, आँखों से चलते हैं और एक पे जाएंगे फिर दूसरे पे जाएंगे। उसका कोई खेल ऐसा है कि उस खेल में कोई मज़ा तो नहीं आता पर वो खेल ही अपने आप ही चलते रहता है और आदमी इसी में पागल हो जाता है। ईसा मसीह ने भी पवित्रता की अति सूक्ष्म बात कह दी कि तेरी आँख भी अपवित्र नहीं होनी चाहिए, किसी की और तेरी आँख से भी तुम अपवित्रता के भावना से न देखो। ये बात उन्होंने कही जैसे कि ये पवित्रता का ही पूरा स्रोत है, इसलिए उन्होंने पवित्रता की बात की। ईसा मसीह ने ज़्यादातर पवित्रता की ही बात की है, जहाँ जहाँ बात की है वो ज़्यादातर कि आप अपने को कैसे पवित्र रख सकते हैं और कैसे आप नैतिकता के बल पर खड़े हो सकते हैं। सो सहयोग में सहज में सब होता है जब आप गणेश जी को पूरी तरह से वरण करते हैं और गणेश जी को मानते हैं कि ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए। ऐसे तो हर एक चक्र पे गणेश का स्थान है और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक चक्र पे एक वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, चांसलर साहब बैठे हैं, जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं और हर चक्र पे ये काम करते। तो आज के इस योग की मैंने बात बताई कि उनका जो दूसरा स्वभाव है कि जो अंगार है उस अंगार को वो अंगार से भी ठंडा कर सकते, वो पूरी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है जिस वक्त में रावण ने श्री राम के विरोध में बात की तो लंका में आग लग गई, तो आपके जो हनुमान जी हैं वो भी मंगलवार ही की उनकी पैदाइश है और वो उनके पास नवधा शक्तियां हैं, उसके साथ ये दोनों ही मिल करके ऐसे काम करते हैं। और समझ लेना चाहिए कि हमें अपने अनैतिकता से अपने सारे व्यक्तित्व को, अपने सारे जीवन को पूरी तरह से
आडोलित रखना चाहिए, पूरी समय उसमें पवित्रता में डूबे रहना चाहिए। ये जो पवित्रता है उसके बारे में ईसा मसीह ने बहुत बढ़कर बात कही है, क्योंकि आज्ञा चक्र पे उनका स्थान है, इसलिए उन्होंने आज्ञा चक्र पे बहुत बड़ी बात कही। और वो ये कहा कि तुम्हारे आँखों में भी कोई भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। Thou shalt not have adulterous eyes। आँखें भी ऐसी हों वो भी निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आँखें निर्मल अगर नहीं है तो ईसा मसीह वहाँ नहीं है। लेकिन देखिए परदेश में हम देखते हैं कि हर एक ईसा को मानने वाले लोग सबकी आंखें बहुत ख़राब है, इस औरत की तरफ देख, उस औरत की तरफ देख, उस तरफ देख, फिर औरतें भी ऐसी आदमियों की तरफ देख, उनकी आंख ऐसी चलती रहती, कभी आंख स्टेडी नहीं रहती। और फिर एक बार ये चल जाए तो ये नेगेटिविटी होती है, भूत है, आँखों से चलते हैं और एक पे जाएंगे फिर दूसरे पे जाएंगे। उसका कोई खेल ऐसा है कि उस खेल में कोई मज़ा तो नहीं आता, पर वो खेल ही अपने आप ही चलते रहता है और आदमी इसी में पागल हो जाता है। तो ईसा मसीह ने भी पवित्रता की अति सूक्ष्म बात कह दी कि तेरी आँख भी अपवित्र नहीं होनी चाहिए, किसी की और तेरी आँख से भी तुम अपवित्रता के भावना से न देखो। ये बात उन्होंने कही, जैसे कि ये पवित्रता का ही पूरा स्रोत है, इसलिए उन्होंने पवित्रता की बात कही। ईसा मसीह ने ज़्यादातर पवित्रता की ही बात की, जहाँ जहाँ बात की है वो ज़्यादातर कि आप अपने को कैसे पवित्र रख सकते हैं और कैसे आप नैतिकता के बल पर खड़े हो सकते हैं। सो सहयोग में सहज में सब होता है जब आप गणेश जी को पूर्ण तरह से वरण करते हैं और गणेश जी को मानते हैं कि ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए। ऐसे तो हर एक चक्र पे गणेश का स्थान है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक चक्र पे एक वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, चांसलर साहब बैठे हैं, जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक कुंडली नहीं चढ़ेगी नहीं, और हर चक्र पे ये काम करते। तो आज के इस योग की मैंने बात बताई कि उनका जो दूसरा स्वभाव है कि जो अंगार है उस अंगार को वो अंगार से भी ठंडा कर सकते, वो पूरी तरह से कर सकते। जैसे कि आपने देखा है जिस वक्त में रावण ने श्री राम के विरोध में बात की तो लंका में आग लग गई, तो आपके जो हनुमान जी हैं वो भी मंगलवार ही की उनकी पैदाइश है और वो उनके पास नवधा शक्तियां हैं, उसके साथ ये दोनों ही मिलकर के ऐसे काम करते हैं। और विशेषकर मनुष्य के अंदर का क्रोध हो तो उस क्रोध को कैसे शांत करना चाहिए ये श्री गणेश जानते हैं, और वो फिर इस तरह से उस पर युक्तियाँ करते हैं, उस पर ऐसे ट्रिक्स करते हैं कि वो आदमी एकदम हताश होकर के और फिर मान जाता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो गर्म तबीयत के लोग होते हैं उनको भी ये ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए इस दिन जब मंगलवार किसी पे अगर मंगली हो तो उसको कहते हैं कि तुम कोरल का जो पत्थर होता है जिसे मूंगा कहते हैं वो पहनिए, वो भी गर्म होता है। मूंगे का पत्थर पहने गर्मी से गर्मी मारी जाती है। वैसे भी आप देखिए कि जितने भी गर्म देश है वहाँ लोग मिर्चा बहुत ज़्यादा खाते हैं। कहीं भी जाइए आप, अगर आप इंडिया में जाइए तो है ही साउथ इंडिया का खाना इतना मिर्चे वाला होता है कि आप खा ही नहीं सकते, और अगर आप और जगह जाइए चाइना में भी जो साउथ का चाइना है जैसे कैंटोन वगैरह वहाँ बिल्कुल बहुत मिर्चे खाना होता है। इसी प्रकार आप इटली में भी जो साउथ है या फ्रांस में साउथ है वहाँ लोग बहुत मिर्चा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि मिर्चे से मिर्च मिटती है, गर्मी से गर्मी चली जाती है, इसलिए वो मिर्चा खाते हैं जिससे खूब पसीना आए और उनको ठंडक बनी रहे। इसी प्रकार श्री गणेश भी अपनी गर्मी से आपकी गर्मी ठीक करते हैं। आपके अंदर अगर कोई अहंकार हो जाए तो इस तरह से वो आपको दिखा देते हैं अपना प्रताप कि उससे फिर आप खुद ही ठंडे हो जाते हैं। और ये जितनी भी बीमारियां हैं इसमें भी बहुत गर्मी निकलती है, बहुत जनरेट होती है, और इस गर्मी के कारण ही आदमी अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए ठीक है कि हम इस गर्मी का ही इलाज करें और उसके लिए श्री गणेश की आराधना करें और उनके प्रति
अपने को विशेष रूप से समर्पित करें। आज का दिन बहुत ही बड़ा मैं सोचती हूँ, जो ये तीन चीज़ों का योग यहाँ हो गया कि आज ही ईसा मसीह का जन्म है, आज ही मंगलवार है, आज ही श्री गणेश का भी जन्मदिन है और आप लोग सब गणपतिपुरे में आए। ये सब कुछ इस कदर बन गया आज कि मुझे इससे बड़ा सहज में ही जो एक चमत्कार होता है, ऐसे लग रहा है कि बड़ा भारी चमत्कार है कि इस वक्त सब लोग आ। पर उसमें तकलीफ भी हो गई कि सब यहाँ पर इतने लोग भीड़ कर गए थे कि हम तो जाम में फंस गए और देर हो गई। पर देर या कोई सी भी चीज़ होती उसमें सबूरी की बात है। हम तो हमेशा सोचते हैं कि जो समय हमारे नियत है वही समय पूजा होगी, उससे पहले हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जो चीज़ नियति का है उसको क्यों बदला जाए, उसके तरफ लड़ाई झगड़ा करने से फ़ायदा क्या। जो है सो है, इस वक्त में जो होगा तब हो जाएगा, तब पूजा हो जाएगी। उसमें अब इस वक्त पूजा नहीं हो रही, ये टाइम था, कोई हम कोई घड़ी के गुलाम तो है नहीं। लेकिन इसके फ़ायदे कितने होते हैं ये आप आगे जाकर देखेंगे कि अगर आप टाइम का गुलामी नहीं करें तो बहुत कुछ सहयोग फैल सकता है। पर जो आदमी टाइम की गुलामी करता है वो कभी सहयोग नहीं फैला सकता, क्योंकि उसको हमेशा रहता है ये टाइम में ये कर रहा है, ये टाइम में कर रहा है, और सहयोग के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलता। पर जो कहेगा कि मुझे सहयोगी करना है तो पूरा टाइम उसके लिए पड़ा हुआ है और पूरी चीज़ बढ़िया तरीके से हो जाती है। पर इस पर सिर्फ बात यह है कि एक तो अनुभव होना चाहिए और अनुभव होने के बाद उस पर विश्वास होना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं। बहुत लोग सुबह से शाम तक मुझे अपने चमत्कार बता रहे थे कि माँ मैं तो परेशान था कि जा रहा हूँ, कब मुलाकात होगी, वो आएंगे। देखता क्योंकि सामने ही चले आ रहे। किसी भी चीज़ की आपके मन में इच्छा हो जाए वो चीज़ पूरी हो सकती है, पर विश्वास की बात है। और विश्वास में अंधविश्वास सहयोग में नहीं है, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा है। जहाँ पर कि हम पूरे दिमाग से सब देखे हैं, जब हमने सब देख लिया और तब भी हम नहीं मानेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा बेईमान हैं, या आप झूठ बोलते हैं, और या आप महामूर्ख। इनमें से तीन चीज़ें हो सकती हैं कि आप जब सब चीज़ों को देख रहे हैं, उसको जान रहे हैं, वो सब वर्तित हो रहा है, उस पर भी आप उस पर विश्वास नहीं करते, तो फिर आप में कुछ ना कुछ खराबी। ये सब देखते हुए आप सोच सकते हैं कि श्री गणेश कितनी बड़ी चीज़ है। और वो इस महाराष्ट्र में 8 अष्ट विनायक हैं जिनकी वजह से इस महाराष्ट्र को बहुत ज़्यादा पुण्य मिला हुआ। लेकिन तो भी लोग इतने पागल हैं वह इसी के पीछे दौड़ते रहेंगे, यही सब करते रहेंगे, कर्म कांडों में फंस जाएंगे। पर ये नहीं होगा कि सत्य को प्राप्त करें। अब आप लोग बहुत नसीब वाले हैं, बहुत समझदार हैं, जो आप लोगों ने सत्य को खोजा और आपने पा ली। लेकिन अब इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप गणेश के गुणों को अपने अंदर ले लीजिए। मैं देख रही थी हज़ारों लोग आए थे गणेश जी की पूजा के लिए। इनमें से कितने लोग गणेश जी को जो मानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनमें गणेश जी का कोई भी गुण हो, ऐसा कुछ दिखाई देते। शराब पियेंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, औरतों को सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब करेंगे और श्री गणेश के अंगारिका में पहुंच गए। अरे आप जब इतनी बड़ी अंगार है तो आप काहे को आए हैं। इसका कोई विचार ही नहीं करता कि हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर कितने हैं। हाँ, हमें उन पर बड़ा विश्वास है, हम तो इनकी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, अच्छा पर तुम्हारे अंदर उसके कौन से गुण हैं, ऐसे कोई सोचता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आप किसी को मानते हैं तो उनके गुण भी आपके अंदर आने चाहिए, और जब तक ये गुण आपके अंदर नहीं आते तब आपका मानना न मानना बराबर है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आज हम श्री गणेश की पूजा करने वाले हैं और श्री गणेश और गौरी की पूजा होगी। और इसमें यही जान लेना चाहिए कि गौरी एक कुंडलिनी ही है, महाकुंडलिनी महागौरी है। और इसका कार्य यह है कि अपने बच्चे को जो बहुत सालों से खोज रहा है उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त कराए, उसका पुनर्जन्म करें। ये इस महागौरी का कार्य है जो आप सबके अंदर उपस्थित है। इसलिए आज हम सिर्फ गणेश जी और गौरी जी की पूजा करेंगे और बाद में देवी की पूजा होगी। सबको अनंत आशीर्वाद।